इतिहास रच के भारत की क्रिकेट टीम हुण वतन वापस पहुंची है। दस दिए कि दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते टीम का शानदार स्वागत किया गया, वड्डी गिणती दे विच फैंस मौजूद ने। तो दस दिए कि बारबडोस तो सीधी फ्लाइट BCCI दे वल्लों जो चार्टर्ड प्लेन बुक करवाया गया सी, उस दे विच ये सारे ही क्रिकेटर जो ने इंडिया के हुण पहुंचे ने दिल्ली। दस दिए कि T20 वर्ल्ड कप जितने तो बाद ये वैसट इंडीज़ के ही रुके हुए सन, क्योंकि उत्थे बारबडोस तो सीधी फ्लाइट थी जिथे कि तूफान आने के कारण सारिया उड़ाना रद्द हो गई। हुण भारत की क्रिकेट टीम जो है वह दिल्ली पहुंची है जिथे कि वड्डी गिणती दे विच फैंस मौजूद ने। दस दिए कि 29 जून को साउथ अफ्रीका की टीम को 7 रनों के नाल हराने तो बाद भारत की टीम ने T20 वर्ल्ड कप से दूसरी बार कब्जा किया है। इस तो पहले की जेकर गल की जाए वर्ल्ड कप की, तो 1983 और 2011 के विच टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतया सी। उत्थे T20 वर्ल्ड कप की जेकर गल की जाए तो 2007 के विच महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के विच पहली बारी T20 वर्ल्ड कप जीते सी, ते हुण दूसरी बार 2024 के विच 29 जून को भारत ने दूजी बार यह मुकाम हासिल किया है। तो दस दिए कि जिथे लगातार क्रिकेट फैंस दे विच वड्डी खुशी है, उत्थे ही पूरे देश दे विच दिवाली वर्गा माहौल बनिया होया है। तो हुण टीम इंडिया जो है जित के दिल्ली वापस परती है। तो दस दिए कि थोड़ी देर दे विच ही PM मोदी दे नाल भी पूरी टीम मुलाकात करेगी, तो शाम नूं मुंबई दे विच टीम इंडिया का विक्टरी मार्च होगा। तो T20 वर्ल्ड कप जित के देश परती है टीम इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट से टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया गया। रोहित ब्रिगेड के स्वागत लिए एयरपोर्ट से फैंस का जमावड़ा लग्या होया है, तो सवेरे 11 बजे के करीब कहा जा रहा है कि PM मोदी के नाल मुलाकात करनगे। तो इस दौरान एक तस्वीर सामने आई ने जिस दे विच देखा जा सकता है कि टीम इंडिया बस के बैठ के होटल ही रवाना होंगी पई है, तो इस दे नाल ही विराट कोहली अर्शदीप सिंह साफ देखे जा सकते हैं। दस दिए कि हुण टीम इंडिया जो है थोड़ी देर दे विच ही PM मोदी दे नाल मुलाकात करेगी। बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए, काफ़ी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर। मैं आया हूँ 4-5 बजे आ गया था, मैं 3-3:30 घर से निकल गया था। हाँ, काफ़ी अच्छा मोमेंट है, काफ़ी बड़ा मोमेंट है कंट्री के लिए। 4 दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में, उसके बाद संडे को मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। अब जब टीम इंडिया आपकी आंखों के सामने होगा, किस तरह से चीयर करेंगे उन्हें, और किसी स्पेशल खिलाड़ी के लिए कुछ कहना चाहें तो? स्पेशल सब ने एक जैसा परफॉर्मेंस किया है, स्पेशल तो कोई नहीं है। लास्ट में जसप्रीत बुमराह ने जो 30 में 30 चाहिए था, उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह ने टर्नओवर किया वो स्पेशल था। एंड चीयर तो इंडिया इंडिया चला के ही करेंगे।